Hey everyone, welcome on my YouTube channel. I am Shivam, student of Kgmu Medical University, Lucknow. So I hope that all of your preparation is good. It will be good. और काफ़ी बच्चों को जो रिक्वेस्ट थी कि जीके पे मतलब उनको वीडियोस जो है अवेलेबल नहीं थी यूट्यूब पे या फिर उनको मिल नहीं पा रही थी, उनको मतलब सिलेबस भी इसका पता नहीं चल रहा था. तो देखो जो जीके होता है, जीके में मतलब उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके पूछे जाते हैं और खेल से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, बट ज़्यादातर चीज़ें आपके यहाँ से यूपी से पूछी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें. तो आज हम मतलब एक इसका हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि एक जीके की जो मतलब पूरी थ्योरी क्लास है ना यूपी से रिलेटेड, उसमें हम यूपी के जितने भी मतलब जीके बन सकते हैं और जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे. अगर वीडियो बहुत लंबी होगी तो इसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. पहला आज हो जाएगा, दूसरा जो है अनदर जो वीडियो वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन आज हम पूरा इसमें कवर करेंगे जीके यूपी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है पूछा है, ठीक है. तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. देखो सबसे पहले तो आप बात कर लें यहाँ पे हम कि जो स्टेट कौन सा, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूपी का, ठीक है. तो यूपी का कैपिटल क्या है, कैपिटल यहाँ पे लखनऊ है. और इसकी जो स्थापना यूपी की कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी. तो ये सब जो डेट्स हैं और यहाँ पे इसमें समझो जो पूरा डाटा मैं आज आपको बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा. आप नो डाउट के इसलिए आप बिल्कुल मत तो डाउट करो, आपसे इसमें से चीज़ें पूछी जाएंगी. तो आपको बहुत ध्यान से करना है. बाकी इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना. और इसको टाइम पर रिवीजन आप करते जाओगे तो आपको भी टाइम एग्ज़ाम में है टाइम, तो तब तक चीज़ें जो है आपको याद हो जाएंगी. और इसका अगर एरिया की बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है, तो इसका जो एरिया है 240,928 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में है. तो एरिया भी आप ध्यान रखना. इसमें यूपी में कितने 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स कितने हैं और क्या हैं, 18 हैं. पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पर कितना है 19,98,12,341, ठीक है. जो इंडिया जो ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है वो फिलहाल इतनी है, बट इतना लंबा डाटा तो आपसे नहीं पूछेगा. लेकिन हाँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, एरिया हो गया, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं. अब देखो ये यूपी का मैप है, यहाँ पे जितने भी यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं सब यहाँ पे दिखाए गए हैं. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, ठीक है, बदायूं हो गया, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखनऊ आपका यहाँ पे है, गोंडा हो गया यहाँ पे, ठीक है. तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, सुल्तानपुर, जौनपुर, सब यहाँ पे जो है आपको दिखाए गए हैं. तो अब चलते हैं, आपको यहाँ पे मैप से तो मैप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये अब जो ये चीज़ आ रही है सिंबल, स्टेट सिंबल से ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं. तो पहला देखो स्टेट सिंबल क्या क्या है, इसमें क्या है, ए पालवे, फिर है एच इन चीफ बो एंड एरो, ठीक है, तीर धनुष जो है आपका है, एंड बेस्ड टू फिशेज. यहाँ पे क्या है, दो फिशेज हैं, एक जो है आपका यहाँ पे पीपल का पेड़ है, ठीक है, और तीर धनुष कमान और क्या है, दो मछलियाँ. इतनी चीज़ें जो है आपके स्टेट इम्बल्स इम्बलम में शामिल है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है. स्टेट बर्ड क्या है, शारस क्रेन, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंगा है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है. स्टेट ट्री क्या है, अशोका, अशोक का जो पेड़ होता है आपका स्टेट, वो स्टेट ट्री है. और स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट फ्लावर यहाँ पे क्या है, पलाश, जो पलाश का फूल होता है, पलाश यहाँ के यूपी का स्टेट फ्लावर है. और स्टेट स्पोर्ट क्या है, हॉकी, यूपी का भी और इंडिया का भी, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है. अब कुछ जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की, ठीक है. तो उत्तर प्रदेश का जो री ऑर्गेनाइजेशन हुआ था किस डेट को, किस ईयर में हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था. नेम ऑफ स्टेट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस फ्रॉम 1836. उसके बाद ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए. अब आगे बात करता हूँ, स्टेट कैपिटल उस टाइम पे क्या थी, आगरा हुआ करती थी, ठीक है. उसके बाद फिर प्रयागराज हुई, फिर लखनऊ हुआ, फिर क्या है कम्प्लीटली जो है लखनऊ हो गया, ठीक है. तो सबसे पहले क्या थी, कैपिटल आगरा थी, फिर प्रयागराज, फिर लखनऊ, फिर पूरे लखनऊ देखो पार्शली थी 1921 में, बट 1935 में जो है कम्प्लीटली हो गई थी. अब क्या है, पार्टीशन ऑफ स्टेट जो कि हुआ था 9 नवंबर 2000 को, ठीक है. और इसको आजकल हम क्या उत्तरांचल और या फिर उत्तराखंड के नाम से आप जानते हो, करंटली इसको क्या उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं,
ठीक है, और जिसमें कितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें मतलब जो उत्तर प्रदेश के 13 जिले थे वो शामिल कर दिए गए किसमें, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की स्थापना भी पूछ सकता है कि कब हुई थी, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नेशनल कैपिटल रीजन NCR कितने हैं, 8। मतलब यूपी के जो है 8 ज़िले हैं जो NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जो मतलब दिल्ली से मतलब दिल्ली के जो आसपास जिले होते हैं उनको NCR बोलते हैं। तो कितने हैं, 8 ज़िले हैं। तो उनमें से कौन कौन सा है, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है जो नोएडा है जहाँ पे, और हापुड़ है, एंड बागपत है, मुजफ्फरनगर एंड शामली। इतने जो 8 ज़िले हैं NCR इनको बोलते हैं। बाकी इसके अलावा जो ऐसे नहीं बच्चे होते हैं NCR से हों, तो आप उनसे एक बार पूछ लेना कि तुम भाई कहाँ से हो, आप ये 8 ज़िले के नाम अगर बोलते हैं NCR से तो उनको बता दो कि NCR में सिर्फ 8 ज़िले आते हैं, बाकी NCR में नहीं आते हैं। अब अगला है कि सच चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हु गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे मतलब चीफ मिनिस्टर हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, तो कौन थे, चौधरी चरण सिंह एंड क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। बाकी चौधरी चरण सिंह के नाम पे जो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम पे है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चौधरी चरण सिंह दो और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये दो इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे आगे जो कुछ भी इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं पोर्शन है। अब हाँ, 18th अभी जो करंटली चल रहा है, स्पीकर ऑफ 18th लेजिस्लेटिव असेंबली। करंटली की बात करें तो जो मतलब अभी उत्तर प्रदेश के कौन जो है वो स्पीकर हैं, तो कौन है, श्री सतीश महाना जो हैं वो अभी फ़िलहाल वो जो हमारा मतलब विधानसभा है, विधानसभा के वो स्पीकर हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के, कौन है, श्री सतीश महाना। नंबर ऑफ वुमेन नंबर्स इन 18th लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अभी फ़िलहाल कितनी इसमें विधायक हैं हमारे मतलब विधानसभा में, 47 जो है वो लेडी वो फीमेल जो है वुमेंस हैं, महिला विधायक हैं। और अगला देखते हैं अपोजिशन, फिलहाल अभी अपोजिशन पार्टी में कौन है, तो श्री अखिलेश यादव उसके लीडर हैं और समाजवादी पार्टी उनकी है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम, जो एक राष्ट्रपति शासन जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार कब से कब तक लगा था, तो 25 फरवरी 1969 से 26 फरवरी 1969 तक जो है यूपी में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था। अब अगला क्या है, स्टेट क्या है लेजिस्लेशन, तो क्या है बाई कैमरियल, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लोकसभा सीट कितनी है, लोकसभा सीट मतलब 80 है, और राज्यसभा सीट कितनी, 31 है। लोकसभा का मतलब जो सांसद होते हैं, ठीक है, जो सांसद होते हैं, कितने सांसद कितने बनते हैं यूपी से, 80 है। तो एक बड़ा जो है हमारे देश में जो कंट्रीब्यूशन होता है यूपी का है, जो हमारे लोकसभा जो दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा जो स्पीकर कौन बना था, तो कौन कौन से थे, श्री आत्माराम गोविंद जी एंड खेर एंड केशरीनाथ त्रिपाठी, कितने, 3 बार जो है लोग क्या बने थे, स्पीकर बने थे असेंबली के। टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो कितने हैं, 403 सीटें हैं। बहुत देखो इंपॉर्टेंट ये सब डाटा है, इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। तो टोटल कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। और टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने, 100 हैं। फर्स्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड तो जुलाई 1937 में पहली जो है वो बनी थी। डिस्ट्रिक्ट विच मोस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो प्रयागराज से कितनी, 12 सीटें हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं, तो पहला इसमें है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पहला चीफ मिनिस्टर कौन थे यूपी के, तो कौन से थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। इसको इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ें पूछी जा सकती है, पहली जो चीज़ें हैं बहुत बार पूछी जाती हैं। फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी नारायण सिंह थे, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कंट्री एंड सुचेता कृपलानी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट एंड कंट्री सरोजनी नायडू, इंडियन फर्स्ट नाइट वाइल्ड लाइफ पार्क, पहला क्या है नाइट सफारी पार्क के नाम से जानते हैं, लोकेटेड कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कौन है, राजश्री
पुरुषोत्तम दास टंडन। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा जियोग्राफिक स्टेट के जियोग्राफिक सिचुएशन से उसको देखते हैं। तो एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश का तो मैंने आपको पहले बताया 240,928 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें इंडिया का कितने कंट्रीब्यूशन है 7.33% ऑफ इंडियाज एरिया, इंडिया के एरिया का कितना 7.33% जो कंट्रीब्यूशन है। अब आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ स्टेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 650 किलोमीटर, और उसके बाद नॉर्थ से साउथ कितना है 240 किलोमीटर है लेंथ। द स्टेट, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, द स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज, तो कितने हैं नौ स्टेट हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी जो बाउंड्री है उसको शेयर करते हैं। आठ स्टेट्स हैं, वन क्या है यूनियन टेरेटरीज हैं। नंबर ऑफ स्टेट बाउंड्रीज सोनभद्र से जो है वो कितने शेयर करते हैं, तो पहला क्या है मतलब जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से जो है चार जो है राज्य वो अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो पहला क्या है मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार। स्टेट विथ मैक्सिमम बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर अपनी शेयर करता है यूपी से। स्टेट विद द शॉर्टेस्ट बॉर्डर, सबसे छोटा जो बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो हिमाचल प्रदेश करता है। मोस्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा स्टेट है, बलिया है। वेस्टर्न कौन सबसे ज़्यादा है, शामली है। नॉर्थ मोस्ट कौन सा है, सहारनपुर है। साउदर्न मोस्ट कौन सा है, सोनभद्र है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट इन एरिया के मायने में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन है एरिया के मायने में, तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा है यूपी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, कितना है 7,680 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका एरिया है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा, हापुड़ है, ठीक है। हापुड़ जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है, ये चीज़ आपको लार्जेस्ट ध्यान रखना है। नंबर ऑफ स्टेट शेयर्स बाउंड्रीज टू सहारनपुर, सहारनपुर से कितने जो है राज्य हैं जो अपनी सीमा को साझा करते हैं, तीन हैं, कौन कौन से हैं, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। अब आगे देखते हैं मेजर रिवर फॉलोइंग स्टेट, कौन कौन से जो रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश में है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा, ये सब जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है इनसे, क्योंकि जो नदियों से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे यार पिछले दो साल में जब से सीनेट का एग्ज़ाम हुआ तो नदियों से क्वेश्चन जो पूछे जाते थे, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम इन स्टेट, तो पहला कौन सा है, शारदा कैनाल जो है सबसे जो बड़ी है स्टेट कैनाल है, या आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अब है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सराउंडेड बाय मध्य प्रदेश ऑन थ्री साइड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा ज़िला है जो जिसको मध्य प्रदेश तीन तरफ से अपनी जो है सीमा को साझा करता है, उसको उसको घेर के रखा है, तो कौन सा ज़िला है, ललितपुर है, ठीक है। तो इतना आई होप कि आज बस इतना ही करते हैं, बाकी ठीक है, अभी बहुत सारा जो है बचा हुआ है, तो आज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप याद भी रहेंगी। तो आज फिलहाल हम जो है इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मतलब थ्योरी आज कवर करते हैं, नहीं तो फिर चीज़ें आपको भूल जाएंगी, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे और बाकी एग्ज़ाम तक जो है पूरा मैं आपको यूपी से जितने मतलब जी के जहाँ जहाँ से पूछे पॉसिबिलिटीज़ हैं पूछने की सारा जो टॉपिक है आज कवर कर दूंगा इस वीडियो में धीरे धीरे अलग अलग सीरीज़ में, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।